हेलो गाइस, स्वागत है आपका न्यू दोस्तों। आज बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के बारे में। तो डेफिनेटली दोस्तों सैमसंग की तरफ से आने वाला फोन आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। वहीं गाइस अगर इसके लुक और डिजाइन की बात करें तो डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छा और स्लीक फोन बनाया गया है। यहाँ पे एक चीज का आपको बता दूं, एक आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो एस पेन का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों नोट सीरीज में आता था सैमसंग के, वो अब आपको इसी फोन में देखने को मिलने वाला है। वहीं गाइस अगर मैं स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी 6.8 इंचेस की, जो कि एक एमोलेड स्क्रीन होगी। वहीं दोस्तों 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों स्क्रीन काफी ही ज्यादा अच्छी होने वाली है, साथ ही साथ इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला 7 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। अभी तक ऐसे लीक्स वगैरह आए हैं। इसके साथ के साथ जैसा मैंने आपको बताया, एस पेन का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इससे ये पता चल रहा है सैमसंग अपनी जो नोट सीरीज है उसको पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया है उन्होंने। अब उसके अलावा गाइस अगर मैं इसी फोन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों पीछे की साइड में कैमरास के सेटअप जो है वो आपको मेन सेंसर देखने को मिलेगा 108 मेगापिक्सल का। वहीं दोस्तों आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेंगे 12 मेगापिक्सल के। साथ ही के साथ दोस्तों इसमें आपको दो अलग से टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएंगे, 3x जूम और 10x जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ऑल इन ऑल जो कैमरा क्वालिटी है वो डेफिनेटली 108 मेगापिक्सल के मेन सेंसर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों, ऐसा बताया गया है सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा आपको 40 मेगापिक्सल का देखने को इसमें मिल जाएगा। वहीं गाइस इसी फोन को और भी ज़्यादा फ्लैगशिप लेवल को और अच्छा इस प्रोसेसर से बनता है। इसके प्रोसेसर की बात की जाए, यहाँ पर आपको सैमसंग की तरफ से आने वाले एक्सिनोस 2100 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एक 5G चिपसेट पे बेस 5 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। साथ ही साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ स्नैपड्रैगन 888 से, तो अभी तक दोस्तों यही बताया गया कि इसकी जो बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगी इस प्रोसेसर की, वो आपको स्नैपड्रैगन 888 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बैटरीज वगैरह की बात करूँ, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। वहीं ये बताया गया कि 45W की आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस वहाँ भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है सैमसंग। साथ ही के साथ दोस्तों यहाँ पे S21 अल्ट्रा में आपको कर्व स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, तो ये भी काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाता है दोस्तों। वहीं अगर प्राइसिंग की बात की जाए, अभी तक दोस्तों US $1250 से लेके $1300 बात हुई तो ऐसी है लीक्स वगैरह के अकॉर्डिंग। तो गाइस इसको अगर कंपेयर करते तो यहाँ पे बनता है अप्रॉक्सीमेटली 90,000 से लेके 95,000, तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। बट यहाँ पे आपको एस पेन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों आपको 12GB रैम से स्टार्टिंग वेरिएंट आपको देखने को मिल सकते हैं इसके। और ये गाइस ऐसा पता चले कि कोई भी माइक्रो एसडी कार्ड का आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स दोस्तों ये एंड्रॉयड 11 पे आएगा। और दोस्तों ऑल इन ऑल देखा जाए तो सैमसंग अपने कैमरा वगैरह को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है, बट डेफिनेटली इसमें 108 मेगापिक्सल से ज़्यादा का पिक्सल का यूज़ किया जा सकता था, बट इतना भी काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं सेटअप्स वगैरह दोस्तों, मी 11 प्रो के भी आपको देखने को मिल जाएंगे 108 मेगापिक्सल के, मी 11 के भी आपको 108 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली कुछ दिन में आपको बता देंगे किसका कैमरा क्वालिटी ज़्यादा बेटर होगा। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।